टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हैं आप सबकी दिलों की धड़कन और हमारे शो की शान शेफ मुनीजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी, बड़े अच्छे आज लग रहे हैं। आज तो बहुत ही माशाल्लाह ब्राइट एंड हैपिंग लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल हैप्पी होना भी चाहिए था। हाँ। एक रीजन है। आज क्या रीजन है वो मैं क्यों बताऊँ आपको? मिड ऑफ द वीक के वीकेंड आने वाला है। नहीं, गेस करें। आज आपकी सालगिरह है? आज नहीं, आपकी तो अक्टूबर में होती है। तो ये कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। आज आपकी सालगिरह है? जी ऑब्वियसली। देखा आप मेरा बर्थडे भूल गए? आई स्वेयर मुझे नहीं आता वाकई में। सही बताएं आप मेरा सच में बर्थडे भूल गए? चले बजा ले बजा ले। सीरियसली शबरीजा, देखो मेरा बर्थडे आज यार, ये तो बहुत गलत बात है। देखो मेरा बर्थडे भूल गए आप लोग कॉल करके। सुने, हमें ये म्यूजिक की बजाय कोई 5 मिनट साइलेंस के लेने चाहिए थे। देखिए आज मेरा बर्थडे, आज नहीं, आज कुछ नहीं होगा। हाँ। मुझे कसम खुदा की नहीं। देखिए कितनी गलत बात है, आप लोग कॉल करें और ईश्वर को डांटे कि इन्होंने मेरा बर्थडे भूले ना आज ये। लेकिन ये अच्छा माशाल्लाह, मुझे एक बात बताइए कितने साल की आज आप हो गई? कुछ एक रफ सा बता दो। अच्छा चलो छोड़े इस बेकार सवाल को। ये बताएं कि कोई ऐसी याद है मुरीजा बचपन की जो आपको याद हो, कोई ऐसी सालगिरह जो आपको याद रह गई हो कि यार ये वाली मेरी बर्थडे बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही सेलिब्रेट हुई है, अल्लाह का शुक्र है, तो सारी ही मेमोरेबल है। कोई ऐसा स्पेशल याद नहीं है, लेकिन ये था कि कल रात को मैं सो गई थी और 10 बजे, कोई 10:30 बजे मैं टोन हो चुकी थी। और अचानक से आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल करिए लाइव चैनल पे? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि हमारा शो थोड़ा सा पढ़ा लिखा शो लगे और आप टोन हो रही है। अच्छा, तो 11:30 बजे मेरे घर पे बेल हो रही है और मेरे हस्बैंड ने जाके खोला। हम सब सो चुके थे, मेरी पूरी फैमिली सो चुकी होती है 10:30 बजे तक। अचानक से मैं नींद में सो रही हूँ और मेरे पर सब आके शोर कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। मैं ये क्या मतलब, मैं नींद में से उठी हूँ और मेरे सारे इन-लॉज आए हुए थे और उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और रात के 3 बजे गए जिसकी वजह से आज मेरा अलार्म का मुझे पता ही नहीं चला, मैं 8 बजे उठी हूँ। लेकिन फिर भी बहुत मुझे खुशी हुई कि वो लोग इस तरीके से आए स्पेशली मेरे लिए फ्लावर्स और केक। मेरे हस्बैंड तो एज यूजुअल, उनको तो याद ही नहीं था मेरा बर्थडे। वो सब कह रहे हैं आपको याद है? कह रहे हैं अच्छा जिसका बर्थडे। मैंने कहा वेरी गुड, ये मुझे सही सारे रिश्तेदार मिले मेरे केक। मेरे भाई भी भूल गए आज मेरा बर्थडे। कसम खुदा की मुझे अगर याद होती ना आपकी सालगिरह तो आज मैं छुट्टी कर लेता ताकि आपको भी एक वक्त मिलता अपने साथ। कोई बात नहीं, आप कल छुट्टी कर लिएगा। कल? हाँ, मैं कल। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जो बर्थडे होती है ना वो आपकी जिंदगी का पहला दिन होता है और आपको अपनी जिंदगी का अगर पहला दिन छुट्टी करके गुजारेंगे तो फिर पूरा साल छुट्टियों में गुजरेगा भाई। पहले दिन काम करें ना। आप कल छुट्टी करिएगा ना, आपकी थोड़ी है। शेफ मुनीजा आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह खुश रहे और कामयाब रहे और हमारे शो की जो शान है और हमारे शो की रौनक है ऐसे ही बढ़ाते रहे। आमीन, बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आज एक बड़ा ही मखसूस, एक बड़ा ही खास दिन है। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, आज असातिज़ा का दिन है और आज का जो शो है हम डेडिकेट करते हैं तमाम टीचर्स को, असातिज़ा को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाया है, हमारी मेंटोरशिप की है, हमें कोई ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया है, हमें पढ़ना लिखना सिखाया है, हमें लोगों से बात करना सिखाया है। आज हम अपने तमाम टीचर्स को सलूट पेश करते हैं। ख़वातीनों हज़रात, कभी भी बात होती है कि किसी भी बच्चे की नशोनुमा की, उसके आगे बढ़ने की, तो हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं। हमेशा फोकियत तालीम को दी जाती है और तालीम का अफकोर्स ताल्लुक हमारे जो असातिज़ा हैं उनसे होता है। तरबियत घर से होती है और तालीम हम स्कूलों में हासिल करते हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने मेरे टीचर्स रहे हैं, आज मैं कुछ भी हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, टीचर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा लेके ही हम
बड़े होते हैं और आगे बढ़ के ज़िंदगी में कोई अगर काम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके उस्तादों का होता है, आपके असातिज़ा का होता है। तो आज का जो दिन है वो हम अपने टीचर्स को डेडिकेट करते हैं। अगर आप कोई बात अपने टीचर्स से मुतालिक कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके कह सकते हैं। टीचर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है ख़वातीन और ज़्यादा आप एक और चीज़ भी जानते हैं कि आजकल के दौर में जो तालीम है वो बहुत मुख्तलिफ हो गई है। मुख्तलिफ स्कूल डिफरेंट तरीके की तालीमात है वो पढ़ाते हैं, पुराने पढ़ाने के तरीके बदल चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स आजकल ऐसे हैं जो कि यूनिफॉर्म में बिलीव नहीं करते, कहते हैं बच्चों को कैजुअल ड्रेसेस में भेजा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि अरे भाई हम लोग तो बच्चों को बस बेसिक तालीम देके फिर जल्दी से कोई जॉब पर लगाएंगे ताकि वो कुछ सीख जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ, तालीम जो होती है, जो मुताला होता है, जो किताबें पढ़ना होता है, वो आपको शऊर देता है और शऊर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही कह रहे हो शबनी सर? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। टीचर शबनी सर, कोई ऐसी याद आपकी टीचर से रिलेटेड मार खाने के अलावा मैं पूछ रहा हूँ? नहीं खैर मार तो नहीं खाई, लेकिन शरारतें बहुत करी हैं स्कूल में और बहुत नॉटी भी थी, लेकिन दूसरी साइड पर पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो ये चीज़ एक अच्छी बात थी कि वो कवर हो जाता था, वहाँ बैलेंस हो जाता था। तो टीचर्स के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। और अब जब इस फेज़ में आके अक्सर मेरे टीचर्स जो है मुझे कमेंट कर रहे होते हैं मेरी पोस्ट पे या मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रहे होते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू, तो मुझे बड़ी खुशी होती है वो देखकर कि एक अंदर से एक वो कहते हैं ना, बड़ा मुझे भी अच्छा फील होता है कि यार आज मेरे टीचर्स वो मतलब मुझे देख के खुश हो रहे हैं। तो एक कोई अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे इसका मतलब बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचाया है, क्योंकि एक टीचर जो है ऑफकोर्स शबुनीजा, अगर आप देखें, अगर अभी हम लोग जिस तरह एक शो करते हैं, हम लोग लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं, ऑफकोर्स आज हम भी किसी तरह से एक टीचर का रोल अदा कर रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, आप भी टीचर हैं, तो ऑफकोर्स मैं भी जब बोल रहा होता तो मेरे दिमाग में मेरे टीचर्स ही होते हैं कि उन्होंने किस तरह हमें सिखाया था। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आज का एक बहुत ज़बरदस्त शो आपका मुंतजर है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं आपसे कह रहा हूं आप सिर्फ ब्रीदिंग करें। और वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। और मैं शेफ मुनीजा को बता रहा था कि अगर आप लोग भी अपने काम की जगह पर हो, दफ्तर में हो, और आपको 5 से 8 मिनट का ब्रेक हो, तो आप उसके अंदर भी अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। किस तरह से, ज़रूरी नहीं कि आप कोई गर्म मशरूब पिए, ब्लैक कॉफ़ी पिए या ग्रीन टी पिए ज़बरदस्ती, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, आप सिर्फ बैठिए, सांस लीजिए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं, जहन को, पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचती है और आपकी वर्किंग कैपेसिटी डबल हो जाती है और जहन और आंखें और पूरा दिमाग आपका डबल काम कर रहा होता है। और कुछ लोग इस तरह की अहम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं प्याज काटने के चक्कर में। देखिए नज़रअंदाज नहीं कर रहे होते, सुन रहे होते, ध्यान सब जगह होता है हमारा। अच्छा, जिस तरह आप वहाँ से बैठे हुए देख रहे होते ना शेफ नीजा क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही हैं, वैसे मेरा भी ध्यान होता है आपकी बात। आपने मोबाइल क्यों रखा हुआ? ये लाइव चल रहा है, सही वहाँ भी लाइव, यहाँ भी लाइव। तो ये ब्रेक में भी लाइव था जी। शेफ मुनीजा क्या कह रही है आप, बड़ा क्यों से। खवातीन और हज़रात, हम चल के देखते हैं फिटनेस का एक शानदार सेगमेंट। फिटनेस जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको लेके चलते हैं जिम में अमरीन के पास और देखते हैं कि आज अमरीन हमें फुल बॉडी डंबल वर्कआउट कैसे सिखा रहे हैं। ओवर टू अमरीन। दिस इज अमरीन शेख, फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम जिम हॉलिक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जिम हॉलिक्स ब्लॉक एफ नॉर्थ नाजाबाद ब्रांच में। आप हमारे जिम विजिट भी कर सकते हैं और यू कैन विजिट आवर पेज टू gymholics.pk। आज मैं आपके लिए कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ, हम करेंगे फुल बॉडी डंबल वर्कआउट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए वर्कआउट क्यों ज़रूरी है और वर्कआउट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जो मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो सिर्फ यही बना हुआ है लोगों की नज़र में कि हम अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो हमें अब अपने आइडियल वेट की तरफ जाने के लिए वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है, बेसिकली वर्कआउट करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें। और एक्टिव रखने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी जो खवातीन या जो भी जेंट्स हैं थक जाते हैं वर्कआउट से नहीं करने की वजह से या डेली रूटीन के कामों में, कि लाइक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है,
इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाती है सिर्फ अपने आप को वर्किंग में लाने के बाद, यानी बॉडी पार्ट्स को वर्किंग में लाने के बाद। तो वर्कआउट इतना ज़रूरी है, वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आइडियल बॉडी वेट अचीव करें, यानी कि अपनी बॉडी को फिट होने के साथ साथ एक्टिव भी करें, एक एक अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको एक्टिव मोड पे लाएं। आपका लाइक थोड़ी सी एज के बाद ख़वातीन उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है या उनको बैक पेन का इशू होने लगता है, इन चीज़ों से रिलीफ उसी वक्त मिल सकता है कि जब अपने आप को थोड़ा सा वर्किंग की तरफ लाएँ। तो बेसिकली वर्कआउट हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ स्टाइल बना लें इसको, अपनी बॉडी को वर्किंग में रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं है, इसके साथ आपको डाइट पे भी फोकस करना होगा। और मैक्सिमम मतलब कि 70% डिपेंड ही आपकी डाइट पे करता है। ये जो हम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज या वर्कआउट, इससे हमारा 30% मतलब काम चल रहा होता है। इसके अलावा हमें 70% जो हमारी वर्किंग होती है बॉडी में वो होती है डाइट से। अगर आप डाइट प्रॉपर रखेंगे अपनी, यानी क्लीन डाइट जिसे कहते हैं, तो भी आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको जो वर्कआउट कराऊंगी वो आप घर पे भी कर सकते हैं, फुल बॉडी डंबल वर्कआउट, डीबी वर्कआउट, जिसमें आप डंबल्स की जगह अगर आप घर पे कर रहे हैं तो वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 लीटर की वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकती हैं। स्पेशली वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिम तक नहीं आ सकती, जिम अप्रोच करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो यही स्टेप्स घर पर वाटर बॉटल के साथ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्क्वाट्स, डीबी स्क्वाट्स। इसके हम 15 रैप्स लगाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 डाउन, 2 3, ज़रा लेग्स स्लाइटली ओपन, 4 ज़रा लेग्स ओपन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। नाउ रिलैक्स। अच्छा, स्क्वाट्स लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो मैक्सिमम जितना आप डीप डाउन लेके जा सकें, ये ठीक इस तरह से। बाकी नीज़ का ख्याल रखें, अगर नी में पेन हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि आपका एंगल सही नहीं, इससे बेटर है कि आप किसी के सुपरविज़न में वो वर्कआउट करें। अगर आपके ज़रा से भी कोई एक्स्ट्रा इंजरी या पेन फील हो रहा है उसको अटेम्प्ट करने से पहले। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर अपर बॉडी। अब हम करेंगे आर्म्स, यानी बाइसेप्स एंड शोल्डर। ठीक है, बाइसेप कर्ल्स विद प्रेस, कर्ल्स प्रेस डाउन स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट 12। ठीक। अच्छा, इसको भी करते हुए हम अपने बैक को कंट्रोल में रखेंगे, यानी आपकी बैक जो है वो ज़्यादा अप एंड डाउन हिलती भी नहीं होनी चाहिए। बैक कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल और प्रेस कर्ल्स डाउन। ठीक। नाउ वी आर डूइंग आवर थर्ड स्टेप और वो है ओब्लिक क्रंचेस। वो भी हम डंबल के साथ ही करेंगे, ओब्लिक क्रंचेस आपके साइड्स को शेप देने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Now move towards our another side. Side change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, लास्ट वन 15. ओके, ये अब हम करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप. अच्छा, मैक्सिमम खवातीन को इस पार्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाते हैं आर्म्स. इसका फ्लैबनेस कैसे ख़त्म करना है उसके लिए हम करेंगे ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन. ठीक है, पूरा एक्सटेंड करेंगे आर्म्स को. नाउ स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अच्छा, अब हमारा जो स्टेप है वो है हमारा फॉरवर्ड लंज. ठीक है, फॉरवर्ड लंजेस लगाते हुए भी अपने नीज का ख्याल रखेंगे हम. ठीक है, नीज की बेंडिंग प्रॉपर 90 डिग्री एंगल एंड बैक अगेन अनदर साइड डाउन. नीज जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं एंड अप. सही है, नाउ लेट्स स्टार्ट. 1, बोथ साइड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1. अच्छा, इसकी फॉर्म मैं आपको साइड एंगल से ही बता देती हूँ ताकि आपको फॉर्म समझ में आ जाए कि बेसिकली लंजेस लगाते वक्त हमारी फॉर्म क्या होगी. फॉरवर्ड डालने के बाद जब स्टैटिक पोजीशन पे आए डाउन. ठीक, नाउ सही ये एंगल होगा हमारा. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं. शेफ मुनीजा, आपको पता है आज आपके साथ साथ किसी और शख्सियत की भी सालगिरह है. हाँ बिल्कुल, पता है आपको. क्या कोई हिंट दे, किसकी है बताएं. बल्ला. बल्ला. बिल्कुल सही, आज सालगिरह है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं. उनके फैंस घर घर बैठे हैं आज इमरान खान साहब की सालगिरह. वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर इमरान खान. इमरान खान की विलादत हुई 1952 में, आज उनकी 70th बर्थडे है. 92 में हमारी क्रिकेट टीम की क़यादत की, वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल. और इमरान खान के बारे में क्या कहें, उनके मद्दा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हर तरफ मौजूद हैं. और जब भी हम इमरान खान का नाम सुनते हैं या हम कभी भी सोचते हैं तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है हर पाकिस्तानी को. और हमारी दुआ है कि ये सालगिरह आपके लिए इमरान खान साहब बहुत ही लकी और बहुत ही कामयाब साबित हो, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह इज्जत शोहरत और सेहत से नवाजता रहे. आमीन. और यही दुआ हमारी आपके लिए भी है शेफ मुनीजा. थैंक यू शेफ मुनीजा. वैसे आपने कभी सोचा है पॉलिटिक्स में जाने के लिए? आज वैसे आप बन तो सकती हैं पॉलिटिशियन जिस तरह की आप हैं, वैसे सोचा कभी आपने? नहीं, नहीं, मेरा वहाँ से कोई गुजर बसर है ही. लेकिन शेफ मुनीजा, अगर आप शेफ नहीं होती तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या होते? मैं आर्टिस्ट होती, कोई पेंटर होती, कोई मतलब क्रिएटिव फील्ड में. हाँ हाँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक माइंड सेट था, मुझे ड्राइंग्स में आर्ट में बहुत ज़्यादा मुझे शौक था करने का. और फिर वो चीज़ मैंने अपनी बेकिंग स्किल्स में निकाली. जब मैं केक्स डिज़ाइन करती हूँ तो एक कलर किस तरीके से उसको कलर थीम सोचना, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना फॉन्डेंट से, तो वो चीज़ वहाँ जो है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ. अच्छा शेफ मुनीजा, जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अक्टूबर में पैदा होते हैं, लिब्रा उनका स्टार होता है, मुझे एक बात बताएं शेफ मुनीजा, किन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा दिल बर्दाश्त होती है, मतलब आपको कौन सी चीज़ें डाउन करती हैं, कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल नापसंद हो? नेगेटिविटी. मतलब अगर मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं या वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं
मैं वहाँ से बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं यार, यहाँ अब मेरा काम नहीं है. मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मैं कहती हूँ नहीं यार, मुझे यहाँ से मूव हो जाना चाहिए या बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहिए उस जगह. लेकिन कभी कभी देखें आप, बहुत सारी इस तरह की जगह होती है जहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते. हाँ. या आपको वहाँ पे निभा हर सूरत से करना ही होता है. फिर आप क्या करती हैं? फिर बर्दाश्त करते हैं. बर्दाश्त कर नहीं तो पार. हाँ. पार कर या बर्दाश्त. बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना. लेकिन ये एक जितनी भी स्टार की ट्रेड्स होती हैं, जितनी भी आपकी जोड़ी एक साइन की ट्रेड्स होती है, मैं कभी कभी ये सोच रहा होता हूँ कि अगर एक के साथ ये चीज़ हो रही है तो क्या ये सबके साथ होती होगी? नहीं, मेरे ख्याल से वेरी करती होगी, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ जो है वो मिलती जुलती होंगी. क्योंकि लिब्राज अक्सर आप देखें ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी हर चीज़ में. तो ये चीज़ है कि, लेकिन वो अलग अलग वेरी करती होगी. ऑब्वियसली वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो जो है वो अपने अपने फील्ड में माहिर होंगे. जबरदस्त शेफ मुनीसा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देखी जिसके अंदर हम दिखा रहे थे छोटे छोटे बच्चों को जो कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ सिखा रहे हैं. इसकी क्या वजह है? एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है जिसको कहा जाता है ऑटिज़म. और ऑटिज़म को बहुत दफ़ा लोग कंफ्यूज़ कर लेते हैं किसी और बीमारी के लिए. कभी लोग कहते हैं कि यार हाँ दिमाग थोड़ा स्लो है, अरे यार बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई शायद उस पर जादू हो गया है, अरे वो दरख्त के नीचे से गुजरा था ना इस वजह से वो ऐसा है. लेकिन कभी कभी वो वाकई में बच्चा जो होता है वो ऑटिस्टिक होता है. ऑटिज़म क्या है, ये कैसा डिसऑर्डर है, आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हैं और ऑटिज़म थेरेपिस्ट हमारे साथ हैं, फायज़ा भवानी. इसमें काफी चीजें आपको आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. कुछ बच्चे लो स्पेक्ट्रम में, कुछ बच्चे लो में होंगे, एडवांस होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे इस पूरे ऑटिज्म के अंदर. ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो सारे बच्चे एक ही जैसे दिख रहे होंगे. हर बच्चे की कैटेगराइजेशन डिफरेंट होती है, उनकी सोशल स्किल्स कम होती हैं. आप देखेंगे कि उनके आई कॉन्टैक्ट वो ज़्यादा नहीं दे पाते होंगे, एक ही चीज़ वो रिपीटेटिवली बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइंस होती हैं, विच वी विल टॉक अबाउट साइंस इज वेल. बट ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें हमारा ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. कम नहीं, मैं बोलूँगी अलग तरीके से काम करता है. अच्छा. ये कोई इसको मैं डिसेबिलिटी भी नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी डिफरेंटली एबल्ड किड्स. डिफरेंटली एबल्ड किड्स. अच्छा. उनकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं. अच्छा, जिस तरह कभी अगर नॉर्मली किसी लोगों से बात करें तो कहते हैं ऑटिज्म एक बीमारी है.
बीमारी तो नहीं है, बीमारी नहीं, नहीं है। बीमारी तो ये वर्ड ही सही नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग, ये एक आप कह सकते हैं एक कंडीशन है जो एक बच्चे को होती है, ठीक है। और इसकी काफ़ी चीज़ें हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं, तो जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि मे बी ये बच्चा ऑटिज्म की साइंस हमें शो कर रहा है, हम इतना ही जल्दी उस पर काम कर सकते हैं, यू नो, वी कैन टर्न अराउंड। लेकिन मुझे बात बताएं, कोई बच्चा अगर जनरली, अगर बहुत सारे लोग अभी हमारा शो देख रहे होंगे, अगर उनका बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, तो क्या वो ऑटिस्टिक ही होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि सोशल, सिर्फ सोशल स्किल्स का मसला है तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कितने कितने इश्यूज़ हैं। आपको ये सब साइंस देखनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है जैसे आपका आपका बेबी लेट्स से 2 ईयर्स ओल्ड है और 2.5 और 3 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि ये साइंस आपको 2 ईयर्स के बाद ही नोटिस होती है, उससे पहले आपको नोटिस कम होंगी। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं। 1 पॉइंट मेरे पास पहला जो बच्चा है मुझे 1.5 ईयर्स ओल्ड का है। अच्छा। तो इतनी जल्दी आपको डायग्नोस नहीं करते, बट मुझे लगता है कि डायग्नोसिस का अगर आप वेट ना भी करें और आपको नज़र आ रहा है इशू, तो उस पर आप एक्शन लें। तो हम उस पर बात करेंगे एक्शन किस तरह लेना चाहिए, एक्शन किस तरह लेना चाहिए। बट एक्शन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। अच्छा, तो वो एक्शन लेंगे का जो आपको ये साइंस देखेंगे। तो आप देखेंगे बच्चा आपको आपके नाम पर, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम फायजा है, मैं बोल रही हूँ फायजा, बट मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रही इस बात। और कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि शायद सुन नहीं रहा। एग्जैक्टली, तो हमने एक बेटर टेस्ट होता है, हम उसके लिए बच्चों को भेजते हैं कि शायद आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। बट अगर वो टेस्ट भी नॉर्मल है, और ये एक वन ऑफ द साइंस है, एक होता है रिस्पॉन्डिंग टू नेम, एक होता है आई कॉन्टैक्ट बच्चे नहीं देते। आप देखेंगे ये जो बच्चे होते हैं नीचे ही देख रहे होते हैं, आप बात कर रहे हैं बट वो नीचे ही देख रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे, उनको आँखों से आँखों में नहीं हो जाता, एक ये चीज़ होगी। आप देखेंगे ये लोग आइसोलेट रहते बच्चे, आप दूसरे से इनको मिंगल नहीं होना था, अगर स्विंग है तो बस वो स्विंग में ही रहेंगे, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, सोशल बहुत कम, बहुत कम बच्चे होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं हैं, उनको आता नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं फायजा, क्या ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है? No. क्या आप इनहेरिट करते हैं? ये जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक नहीं, नहीं ये डेवलपमेंटल है। जैसे कि आप डाउन सिंड्रोम को देख लें, वो जेनेटिक है, तो पता चलता है कि ये जीन्स में है, ठीक है, ठीक है। बट जो ऑटिज्म है वो डेवलपमेंटल है, वो बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है। अच्छा, वो एक ब्रेन एक तरीके से बस डेवलप हो जाता है। हाँ, वो अलग तरीके से डेवलपमेंट है। और जो कंडीशन से मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल सकती है, हर बच्चा अपनी तरफ से अपनी तरीके से बाहर निकलता है, बट ये कि कुछ बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ बच्चे को कुछ हमेशा कोई ना कोई नीड चाहिए होती है। बट मेरा गोल ये होता है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो बच्चा कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा, क्या एक जिस तरह बात करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को? काफ़ी जो आप देखेंगे जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब कि ऑटिज्म के, ऑटिज्म का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अगर इस स्पेक्ट्रम पे हैं बच्चे, तो आप देखेंगे वो उनकी जो वर्बल जो स्पीकिंग स्किल्स होती है बहुत टाइम बाद आती है, कुछ बच्चों में लेट आती है। अभी मेरा एक स्टैमर करते हैं, हकलाते भी हैं, उनकी मे बी आर्टिकुलेशन कमज़ोर होती है। जैसे अगर वो एलिफेंट बोलना चाह रहे हैं तो कुछ बच्चे बोलेंगे एलहट एलहट, तो सिर्फ ये नहीं होता कि वो स्टैमरिंग होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं। हर बच्चा, कुछ बच्चे स्टैमर कर रहे होंगे, कुछ बच्चे शायद वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे होंगे, तो हम उनके साथ साइन लैंग्वेज शुरू करते हैं, हम उनको पिक्चर से सिखाते हैं कि ये आपको चाहिए, आप ये वाटर की पिक्चर हमें दें, यू नो, आपको वाटर मिलेगा। तो हम स्लोली, क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिकेशन मेथड देना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। अगर आप बोलते हैं कि नहीं बोलने का ही वेट करना है, अच्छा, लेकिन हर चीज़ तब होगी जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पेरेंट्स को कब बच्चों को इस तरह आप लोगों के जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सेंटर्स हैं, अब कब लाना चाहिए, एट व्हाट एज? मुझे लगता है कि अक्सर पेरेंट्स वेट करते हैं कि हम लोग पूरी हमें रिपोर्ट मिल जाए, और फिर कभी कभी इतनी वेटिंग लाइन वेट होती है कि बच्चे 3 ईयर्स के हो जाते हैं, 4 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम बच्चे का ही हो रहा है ना, बिल्कुल राइट, वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आई वुड से कि आप ये साइंस नोट करें घर पे कि बच्चा है ना एक ही चीज़ को देखे जा रहा है, एक ही चीज़ बोले जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, वो एक ही वर्ड बोल रहा है, और अपने आंखों के कॉर्नर से उस तरफ देख रहा है सर, ये सब चीज़ें नोटिस करनी होती है, और अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, सो अपने बस अलग अपनी दुनिया में रहना है, और स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा रोल है जिसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। आप ये साइंस देखें तब आपको कांटेक्ट करना चाहिए। फायदा, इट माइट साउंड ट्रिवियल, लेकिन बहुत सारे हमारी, ऑफ कोर्स वी लिव इन पाकिस्तान, और बहुत सारी एक साउथ एशियन जो रीजन है, यहाँ बहुत सारी मिथ्स चलती हैं, बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, हम लोग पहले से कुछ सोच के बैठे हुए होते हैं कि क्या पता ये, यहाँ पे जादू टोना, जिन्नात, असरात, दरख्त के नीचे, ये भी बहुत हो रहा है कि भाई बच्चा वो गार्डन में खेलने के लिए गया था तो दरख्त के नीचे था, तो शायद ये इसको वहाँ से ये
कोई चढ़ गया, फिर बाबाओं का एक पूरा चक्कर होता है जिससे बच्चे गुजर रहे होते हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई चीज एनकाउंटर किया? ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ये तो हो रहे हैं, बट जो भी आता है पेरेंट्स और वो कहते हैं कि वो यू नो इस तरफ हमारा घर इस तरफ है तो हमारे यहाँ पे यू नो ऐसा लग रहा है कोई होगा तो इसलिए हमारे बच्चे पर असर आ गया, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जब तक इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप उन बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते, तो आप किसी बाबा को बुलाएं, आपको जो करना है आपके तरीके से, आपका जो बिलीफ है मैं उसको हटा नहीं सकती, आपको जो करना है आप करते रहें, ठीक है ना, मैं किसी के बिलीफ सिस्टम नहीं हटा सकती, बट ऑन द साइड आपको ये भी करना चाहिए, आपको उनको जो ट्रीटमेंट बच्चे को का हक बन रहा है भी आपको वो देनी चाहिए, वो भी स्पेशली हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन वर्क्स द बेस्ट अप अंटिल लाइक 6 ईयर ओल्ड, 2 to 6 में इतनी चेंजेस पॉसिबल हैं कि जो बच्चा जो नहीं भी करता होगा ना काफ़ी चीज़ें करने लग जाता है विद द अमाउंट ऑफ हेल्प, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तीन थेरेपीज में डिपेंडिंग करता है बच्चे को किस चीज़ की नीड है, तो जब वो आते हैं सेंटर यू मैटर में फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने सेंटर बताऊंगी, तो हम उनको पहले बताते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है, अगर उसको नहीं नीड है किसी एक सर्विस की हम बताएंगे कि अभी इसको ज़रूरत नहीं है, बट जिस चीज़ की नीड है वो डेफिनेटली अभी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट सिटिंग टॉलरेंस फ़ौरन नहीं आती। देखिए फायदा कि किसी भी बच्चे को कभी भी हो सकते हैं, बच्चे पैदा होते हैं इस प्रॉब्लम इस कंडीशन ये इसका ये जो इसका आंसर होगा वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होगा, बिकॉज ये दोनों हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हाँ बच्चा कभी भी ऑटिस्टिक हो सकता है, रिग्रेशन, कितने बच्चे हैं कि 2 ईयर्स के बाद एकदम से हर चीज़ बोलना बंद कर देते हैं, मामा जो बोल रहे होंगे ना, मामा बाबा डैडी कुछ भी बोल रहे होंगे, ऐसा भी होता है कि एकदम रिग्रेशन चले जाते हैं। क्या क्या ही अगर कभी कोई शॉक लगता है उसकी वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, किसी चीज से डर गए हो, ये हो सकता है, एनवायरमेंटल ऑनलाइन स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि कुछ एनवायरमेंटल बैरियर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है, बट कोई नोन कॉज नहीं है ऑटिज्म का, देयर इज नो नोन कॉज, तो बच्चे रिग्रेस भी करते हैं और एकदम से बोलना बंद कर देते हैं और एकदम से वो साइंस शो कर देते हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, और कुछ बच्चे जो आपको पहले से साइंस शो कर रहे हैं तो आपको पता है जैसे भी आपको लग रही है कि ये साइंस से हो रही है आप फॉरन ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा किस एज तक ऑटिज्म हो सकता है, क्या एडल्ट्स में भी हो सकता है? अगर वो कभी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिली और हमेशा से था मे बी वो उस लेवल पे था कि एडवांस हो सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं तो उनको रहेगा, है तो है, बट ये नहीं होता कि आपको पूरी जिंदगी एकदम सबको ऑटिज्म हो गया, अच्छा ऐसा नहीं होता, अच्छा वो एक एज का ग्रुप है, आई थिंक आप पैदाइश से लेके 5-6 साल तक, हाँ वो यूजुअली मैंने जो अपने फील्ड में देखा है और जो मैंने स्टडीज़ देखी हैं वो रिग्रेशन अगर जो आता है वो आता है 3 ईयर्स के बाद अगर आ सकता है, और लेकिन 6 ईयर्स के बाद तो मैंने बहुत कम देखा है कि नहीं होता ऐसा, बट ये कि पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, आजकल में जो मैं देख रही हूँ और बच्चे के पास टैबलेट है तो काफ़ी हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो वर्क करना कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, और फिर हम जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम सोशलाइज नहीं करते हैं, वो सब अगर हम इसको नाम ना भी देना ऑटिज्म का, ये सब कुछ स्क्रीन टाइम की वजह से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा एक चीज़ और भी होती है जिस तरह आप कह रहे हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, एक तो पता है तालीम की किल्लत हमारे मुल्क में, ऊपर से एक्सपोजर का प्रॉब्लम, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से कंक्लूसिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर किसी को हम तंबाकू नोशी करते हुए देखेंगे तो एकदम से कहेंगे ये तो ख़राब इंसान है, एकदम से हमें एक कंक्लूजन पे जंप करना होता है, इसी तरह जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा देखते हैं तो बहुत दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं ये तो पागल है, और उसका वहीं पे चैप्टर हम बंद कर देते हैं। मैंने PTV के लिए तकरीबन 5-7 साल पहले एक ड्रामा किया था, उसका नाम था ये गुड़िया मेरी है, उसके अंदर ये स्टोरी एक ऑटिस्टिक बच्चे की थी जो कि यू नो ग्रोज अप टू बी एन एडल्ट एंड ही लाइक्स अ गर्ल, और उसको पूरा जो माहौल है वो पागल समझता था, टू द पॉइंट के उसको पागल खाने में सबमिट करा देते हैं जबकि वो एक क्योरेबल कंडीशन थी, क्योंकि माँ बाप सिर्फ माँ जो थी वो समझती थी कि वो माँ जिस तरह कभी भी हम लोग सुनते हैं इस बात को, माँ हमेशा कहती है नहीं मेरा पागल को भी माँ कहती है मेरा बेटा पागल नहीं है, आई थिंक माँ समझती है बच्चों की कंडीशन, लेकिन हम लोग ऐसे सोसाइटी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं डॉक्टर के पास जाने से पता नहीं क्यों कतराते हैं, और हम खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये हुआ होगा और वो हुआ होगा, जबकि थेरेपी सेंटर्स हर चीज़ के मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आज शो शुरू करते ही मैंने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, आज असातिज़ा का दिन है, और आज की जो हमारी सुबह है, आज का जो दिन है, हम डेडिकेट करते हैं तमाम असातिज़ा को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैं इस वक्त फबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीचर इस वक्त लाइन पे है, मेरी क्लास टीचर थी, मेरी अच्छी तरह से याद है बीकन हाउस में 10S मेरी क्लास थी, और मेरी क्लास टीचर थी सलमा बेग, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, मेरी उर्दू टीचर थी, और हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी है मैम आप? आई होप यू वेल। बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई आपसे, सिर्फ एयरपोर्ट से ही मैं मिला हूँ। मुझे मतलब बड़े हो गए थे, वैसे मैंने तुम लोगों को बहुत छोटा छोटा देखा। बिल्कुल। कैसी है आप आज मैम? वर्ल्ड टीचर्स डे है। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, इतने साल आपकी जिंदगी के एज ए टीचर गुजरे हैं, कोई तजुर्बा जरूर प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। भाई तजुर्बा सबसे अच्छा ये है कि मैं हर साल बच्चों के साथ ग्रो करती हूँ, और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी हमें आप लोगों ने सिखाई। हर रोज मैं तो आपसे सीखती हूँ, पता नहीं आपने मुझसे कुछ सीखा है या नहीं। मैं इतनी अच्छी उर्दू बोलता हूँ, देखे आपकी वजह से तो मैं आज इतनी अच्छी उर्दू बोलता हूँ, जो मिलता है मुझे कहता है तुम्हारी उर्दू बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ भाई सलमा बेग मेरी टीचर थी। हाँ चले शुक्रिया, आपने याद रखा तो अच्छा लगता है, और जब तुम लोगों को तरक्की करते देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम लोग। मैम मैम आपका उर्दू से भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है हमेशा से, और इतनी नफीस, इतनी शाइस्ता, इतनी दिलकश जबान जो है, इतने अल्फाज का चुनाव मुझे अच्छी तरह से याद है। जब भी आप रीडिंग करा रही होती थी हमें क्लास में, क्लास 10 मैंने ओ लेवल्स में ए मुझे मिला था उर्दू में, जिसका सारा सेहरा मेरी टीचर को जाता है सलमा बेग साहिबा को। मैम मुझे एक सवाल जाती पूछता है, टीवी से किनारा कशी की क्या वजह है? बेटे बात यह है कि मैंने कोई तकरीबन 25-30 साल टीवी भी किया है, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पढ़ ना रहे हो तो फिर आपको बहुत सारी चीजों में आप पीछे रह जाते। तो फिर मैंने उसके बाद जब आप लोग क्लास 10 में थे तो मेरी एक बेटी कॉलेज पहुंच चुकी थी, तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था, फिर मैंने बहुत पढ़ा ताकि कुछ तो मैं अपने बच्चों की मालूमात में या उनके इल्म में इजाफा कर सकूं। तो फिर मुझे लगा कि मैं टीवी नहीं कर सकूंगी, हालांकि बहुत साल मैंने टीवी किया है। मैम लेकिन एक मुझे बात आपसे, आपके तवस्सुत से हमेशा याद रहती है। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स एक दफ़ा पेरेंट टीचर मीटिंग में आए थे और मैं भी साथ आया था, और आपने मेरे वालद साहब से कहा था अरे आपका बेटा तो हमारी क्लास की ट्यूबलाइट है, इसकी क्या वजह थी? भाई बात ये है कि वो जब तुम पढ़ते थे तो तुम्हारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ब्राइट बच्चे थे, और कुछ तुम उस जमाने में थोड़े बहुत शर्मीले भी थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि जब तुम लोग सब खुल जाए, आपको पता है कि मैं आखिरी 10 मिनट आप लोगों को देती थी कि भाई जो चाहे करे, कोई एक्टिंग करो और कोई गाना सुनाओ जो भी करो, तो उसमें सब तुम लोग जो है ट्यूबलाइट की तरह एकदम जल के उस क्लास को रोशन कर देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा मालूम होता था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन का, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं, उन तमाम स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में जिनमें आपने रोशनी भरी है। हमारी दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, इसी तरह जगमगाती रहें। मैम थैंक यू सो मच, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और आज का दिन हम आपको डेडिकेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन पर बात करने के लिए, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सलमा बेग मेरी टीचर थी। खवातीन और हज़रात एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही शानदार टीचर हैं, आज की नई नस्ल की टीचर हैं, हमारे साथ हैं तहमीना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी तहमीना मुझे एक बात बताएं, कब से पढ़ा रही हैं आप, कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? अच्छा, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि मैं भी उर्दू टीचर हूँ, और दी वैंटेज स्कूल से मेरा ताल्लुक है, और वैंटेज में मैं पिछले 3 सालों से हूँ। इससे पहले भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ मैंने इत्तेफाकन उर्दू ही पढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली मैं एक उर्दू टीचर हूँ अब। बहुत अच्छी बात है, आई थिंक उर्दू टीचर्स बहुत बहुत ही, मुझे तो आप देखिए कि मैं हमेशा कभी भी किसी से बात कर रहा था तो मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी उर्दू में इतने सारे
तुम्हें लफ्ज़ पता है, तुम्हारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है या तुम इतना पढ़ते हो, और उसकी यही वजह कहते हैं आपके टीचर्स को सारा सेहरा जाता है। मुझे एक बात बताएं फायज़ा, यू नो जब आप पढ़ रही थी, वन यू वर अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में, अभी आप एक थेरेपिस्ट भी हैं, आपको लगता था यू नो यू हैव टेकन ओवर आफ्टर सम ऑफ योर टीचर्स? ऑफ कोर्स, आई थिंक मॉडलिंग जो होती है, हम जो टीचर्स मॉडल करते हैं उन्हीं का बिहेवियर मॉडल करते हैं। सो मुझे इस फील्ड में आने के लिए मैंने अपनी टीचर को ही देखा, राइट, हूएवर वाज टीचिंग सुपरवाइजिंग एट दैट टाइम दुबई में, तो मैंने उन्हीं को सीखा और उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चल रही हूं। और अभी भी आप एक टीचर हैं? अभी भी हम टीचर, अभी भी आप टीचर कहती है, लेकिन मुझे बात पता है, हमेशा जितने भी बच्चे हैं उनको जिस चीज़ से डर और खौफ आता है वो आते कि टीचर, व्हेन यू नो व्हेन दे लूज देयर कूल, कि भाई गुस्सा ना हो जाए। किस बात पे गुस्सा आता सबसे ज्यादा? अब तो नहीं आता, क्योंकि जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो जब बच्चे होता था ना कि एक सवाल बार बार पूछते हैं तो गुस्सा आने लगता था, लेकिन फौरन ही मुझे अपने टीचर्स याद आते थे कि हम भी तो यही करते थे, तो अब गुस्सा नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे आप बताएं टीचिंग के शोबे से आप क्यों वाबस्ता हो, क्या वजह? टीचिंग के शोबे से मैं इससे वाबस्ता, एक तो मैं अपने टीचर से बहुत इंस्पायर थी ऑफ कोर्स, और वर्ल्ड टीचर्स है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा मैं आज सराहूँगी, और दूसरी बात ये कि मुझे ना होता है ना, शुरू से लोग अपने अंदर जज करते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं, तो मैं जब भी अपना कोई लेसन प्लान करती थी, अपना लेसन याद करती थी ना, मैं अपने आप को पढ़ाती थी, मैं बाकायदा समझती थी कि मेरे आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं जो है जो मैंने याद किया है, जो मुझे कल पढ़ना टेस्ट देना है, मैं वो पढ़ा रही होती थी। मैं इतनी जल्दी चीज़ें मेमोराइज़ कर लेती थी, यहाँ से मैंने सोचा कि ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मुझे टीचर बनना चाहिए, और मुझे टीचर बनना चाहिए। अच्छा मुझे बात बताइए, जब आप स्कूल जाती हैं बच्चों को पढ़ा रही, 3 साल का कोई छोटा अरसा नहीं होता, इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 डेज यू कैन डू दिस। मुझे एक बात बताइए, क्या फ़र्क लगता है आपको पुराने ज़माने के टीचर्स में और आज के ज़माने में? मेरे ख्याल ये कि पहले टीचर्स को इतना ज़्यादा नहीं सहाया जाता था, अब क्योंकि टीचर्स डे मनाया जाता है, पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं आपके टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स जिस खुशी से स्कूल आते हैं तो हर दिन लगता है कि एक नया दिन है और आज बच्चे मिलेंगे, आज बच्चे ये कहेंगे, आज ये कहेंगे, कि बच्चे बड़े आजकल जो स्कूल जिस वे में जा रहे हैं ना, बड़ा अच्छा उन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, तो स्टूडेंट्स बहुत खुशी खुशी आते हैं। पहले बच्चे आते थे रोते हुए, जब हम भी बड़ी क्लासेस में थे तो हम देखते थे कि वो छोटे बच्चे रोते, शायद हम भी रोते हुए ही गए हों, तो अब ये नहीं होता। मुझे एक वजह याद है, उसकी एक वजह ये भी थी कि पेरेंट्स डराते थे टीचरों से, हम उस टीचर से शिकायत कर देंगे, वो टीचर तुम्हें बहुत मारेंगी, वो बड़ी गुस्से में रहती है। और अब तो ये होता है कि स्टूडेंट्स आके जो है ना बता रहे होते हैं कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, मिस हम, और ज़रूर बताते हैं कि कुछ भी वो एक्साइटिंग करते हैं, अगले दिन उनके पास एक ज़रूर एक स्टोरी होती है। अब कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ओ लेवल्स तक को भी पढ़ा, ओ लेवल्स तक की उर्दू पढ़ा रही हूँ। दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। मुझे अपनी जो स्कूल के अंदर की, जब स्कूल के ज़माने की बात करता हूँ तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा याद आती है वो आती कि जब ओ लेवल्स में कर रहा था तब एक पॉइंट ऐसा आता था कि जब स्कूल जाने में मज़ा आने लगा था, यू नो क्लास 8-9 से आपको मज़ा आने लगता है, आप इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अब मैं यू नो व्हेन आई सी माय किड्स गोइंग टू द स्कूल, तो मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ तो स्कूल जाते हुए भाई के बच्चों को, यू नो अब मैं कहता हूँ वो इतनी छोटी एज से इतनी खुशी खुशी स्कूल जा रहे होते हैं, टीचर्स फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब टीचर्स मेरे ख्याल से फ्रेंडली हो गई है, कि आई थिंक वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया। मुझे एक बात बताएं, आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो टीचिंग ट्रेंड है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी तो बदल गया काफी? डेफिनेटली, आई थिंक हम वक्त के साथ बदल रहे हैं, वक्त के साथ बदल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल है जहाँ यूनिफॉर्म का सिस्टम खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा आई थिंक अब इन्फ्लुएंस आ गए मोर देन एकेडमिक्स, सो आई थिंक इट्स आल्सो गुड, बर्डन कम हो गया बच्चों पे, अब वो एंजॉय करने लगे मोर देन जिसके। बट डू यू थिंक इट्स राइट? आई थिंक बैलेंस लाइफ स्टाइल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए स्कूल के अंदर भी, कि आप ये चीज भी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बैलेंस। लेकिन कभी ऐसा हुआ है आपके साथ के आपने नोटिस किया कि एक बच्चा नॉर्मली स्कूल जा रहा हो और उसका जो ऑटिज्म है वो बहुत देर बाद आइडेंटिफाई हुआ? एब्सोल्युटली, क्योंकि प्री स्कूल में ये चीज़ें दिखने लग जाती है, तो अक्सर प्री स्कूल की टीचर्स ये नोटिस कर लेती हैं कि हाँ ये बच्चा अपने आप में ही रह रहा है, अकेला रह रहा है, ये नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो फिर हम उनको यही कहते हैं पेरेंट्स को कि ये टाइम है कि आप उनको वन ऑन वन दें थेरेपिस्ट के साथ, ताकि वो स्कूल के लिए फिर आफ्टर वन ईयर रेडी हो पाए। अच्छा पहले ही कर ले, प्री स्कूल में आइडेंटिफाई कर ले, इसीलिए अपने प्री स्कूल में आइडेंटिफाई। कभी ऐसा हुआ कि बहुत बच्चा बहुत देर बाद आपके पास आया? एब्सोल्युटली, 7 ईयर्स में भी आते हैं, 8 ईयर्स में भी आते हैं, 8 ईयर्स में भी आते हैं। तो ये और वो रीजन से आते हैं कि हमें स्कूल से निकाल दिया गया है, स्कूल से निकाल दिया गया, कि अब स्कूल कह रहे हैं हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो आप स्कूल से निकालने की बच्चों को क्या वजह होती है? यही वजह हो सकती है कि और बच्चों के साथ उनका बिहेवियर ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चों पर उसका एक इन्फ्लुएंस पड़ जाए, और फिर ये वो पॉइंट होता है जहाँ पेरेंट्स को ये बताना होता है कि आपके बच्चे को शायद किसी और की ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत, किसी और की, किसी थेरेपिस्ट की, लाइक यू, तो
ये वो होता है, वैसे तो बच्चों को स्कूल से कभी नहीं निकाला जाता, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आप एक, अगर आपके उन टीचर्स में से जब आप छुट्टी करते हैं तो बच्चे खुश होते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी समर वेकेशंस गुजरे, उसके बाद जैसे ही बच्चों से मुलाकात हुई बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे आपसे मिलके, मुझसे मिलके। लेकिन ऑफकोर्स टीचर्स का ज़िंदगी में खवातीन और एक बहुत ही अहम किरदार होता है, और ताहयात हमें अपने टीचर्स याद रहते हैं, और जब भी अपने स्कूल के दोस्तों से आप मिलते हैं तो टीचर्स की बात करें, यार वो वाले टीचर याद है, यार वो वाले टीचर याद है। और आज का जो शो है हम टीचर्स को डेडिकेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, और शेफ मुनीजा हमारे साथ हैं। अच्छा आज क्योंकि टीचर्स डे पे बात हो रही है और इतनी अच्छी अच्छी टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर है, तो मुझे कैसे याद आ रहा था कि हम लोग क्लास 8, 9, 10th में जो है बड़े बड़े बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी हो जाते हैं और आपस में ना एका कर लेते हैं ना। आप स्कूल गई थी? नहीं मैं नहीं गई थी, मैं अपने बच्चों का बता रही हूँ। तो हम लोग, आपके बच्चे क्लास 9th में? नहीं मेरे बच्चे जो है ना वो डॉक्टर साइंटिस्ट और वो सब बन चुके हैं। बन गए? हाँ। क्या ठीक है, आपको पता तो है मैं नानी दादी हूँ। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है ना। हाँ ठीक है, तो जो है तो दादी माँ आप क्या कह रही थी? जी बेटा आप जरा कान पकड़ के कोने में खड़े होंगे। जयपुरीजा आज आपकी सालगिरह, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ ये करेंगी। चलिए स्कूल में ऐसा होता था ना, ऑफ कोर्स सजा मिलती थी आपको। तो हम बता रहे थे कुछ और। अच्छा बताएं। अच्छा तो क्या होता था कि जब भी कोई टीचर आती थी जिसको हमें तंग करना होता था तो हम सब एक हो जाते थे, और हम सब ना जैसी टीचर एंटर होती थी क्लास में तो हम कहते थे गुड मॉर्निंग टीचर, नाइस टू सी यू, हैव अ गुड डे। अब ऐसा भी नहीं था शेफपुरी सा, इसीलिए बस आगे बस। मैं कुछ ही कहना चाहता। हाँ, मुझे एक बात बताए तभी ना, आपको स्टूडेंट संग करते बहुत करते हैं, किस तरह आप किस चीज़ से इरिटेट हो जाती हैं? वो अक्सर होता है ना कि हम अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि टीचर्स का एक बड़ी रोल होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं ताकि स्टूडेंट्स मज़ीद और सीखें, तो उस पर वो कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करना, बड़ी क्लासेस की मैं बात करूँ क्योंकि आजकल ज़्यादा बड़ी क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, तो उस पर कोई कमेंट्स करना, अच्छा मिस आपके साथ भी ऐसा हुआ था ये, इस तरह की जो है ना बड़े स्टूडेंट्स बहुत करते हैं इस तरह की बातें, या कभी कभी कोई लाइन एक से दो बार बोल दी तो उसको रिपीट करते रहना, ये बहुत करते हैं। और स्पेशली जब आप बोर्ड पे कुछ कर रहे होते हैं तो जो पीछे हो रहा होता है ना वो टीचर को पता होता है लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ती है। हाँ बहुत टीचर्स इग्नोर भी करते हैं बड़ा, क्योंकि दो आंखें पीछे भी होती हैं। अच्छा ये टीचर्स का डायलॉग होता है हमेशा ये वाला जो इन्होंने बोला, क्योंकि ये मेरे टीचर्स भी कहते थे, ये इन्होंने बिल्कुल टीचर वाली बात करी आज आपने ना, ये बड़ा हम भी सुनते थे कि मेरी दो आंखें पीछे भी हैं मुझे पता है मैं क्या कर, और एक्चुअल होती है वो, पता हो रहा होता है पीछे क्या चल रहा है, एक एक मूवमेंट पता चल रही होती है। अच्छा फायजा एट स्कूल जब आप पढ़ रही थी आप व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टूडेंट वर यू? आई थिंक मैं बैक बेंचर थी। बैक बेंचर थी, जबरदस्त। हम एक चीज बहुत करते थे अक्सर, वंस अ वीक हम सब स्टूडेंट्स मिलके, हमारा जो ग्रुप था हम ब्रेक को एक्सटेंड करके एक रूम में चले जाते थे, और टीचर कहते मींस वो दरवाज़ा लॉक हो गया था, हम लॉक्ड आउट हो गए थे, अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो फिर हम एक वो बन जाते थे कि हमारी तो गलती नहीं, और हमें एक्स्ट्रा ब्रेक भी मिल जाता था। सब शुरू चीज़ जो है हम लोग करते थे कि हमारे कुछ अगर ब्रेक के बाद टेस्ट वगैरह है तो हमारी एक क्लास का ना लॉक ख़राब हो गया था दरवाजे का, जो हमारी क्लास थी क्लास 7th आई थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे ब्रेक टाइम पे वो दरवाजा को ना लॉक कर देते, अब वो लॉक हो जाता तो खोलना मुश्किल, आधा पीरियड उसको खोलने में ही निकल जाता था, हम सब बाहर एंजॉय करते रहे। ये शरारतें हमने भी बहुत करी यार, मतलब आज तो कितने अच्छे दिन याद दिला दिया ना, कितनी अच्छी बात है ना। और मुझे एक चीज जो याद आती है, मुझे जिस चीज को मैं सलाम पेश करता हूँ वो टीचर्स का पेशेंस है, क्योंकि कुछ मुझे अपने ओ लेवल्स की जो चीजें याद आती है, दे वर टाइम्स के बहुत ही ज्यादा कभी कभी तो ना बच्चे आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा है ना, आपने बंक किया है कभी स्कूल? नहीं स्कूल कोई चांस ही नहीं। आपने कभी ऐसे स्टूडेंट बंक किया है स्कूल? आप दोनों ने बंक नहीं किया, लड़कियां बंक नहीं करती स्कूल। आई यूज्ड टू लव, आई यूज्ड टू लव स्कूल। हां आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं जब पापा से लड़ती थी छुट्टी क्यों करवा दी, छुट्टी क्यों करा दी। हां देखा आज हम तीनों अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप फंस गए यहां पर।
शेफ बोरीजा क्या बना रही हैं आप? आज जो है हम चिकन कोरमा बना रहे हैं, देगी कोरमा। जबरदस्त। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करें। प्लीज बताएं। ओके, देखिए आसपर ने मुझे बदनाम किया हुआ है कि मैं सारा टाइम बातों में निकाल देती हूँ। आप लोग खुद बताएं कौन बातें कर रहा होता है यहाँ। आज इनकी सालगिरह में चुप हूँ। ओफ अल्लाह, आज इनकी बर्थडे की वजह से मेरे हाथ बंद क्यों नहीं आती? हाथ बंधे हुए मेरे हाथ। मेरी सालगिरह रोज क्यों नहीं आती? प्लीज बर्थडे को मैं बोलूंगी मेरे सालगिरह को कि रोज आए। ये आपने घी डाला है? हाँ जी, घी डाला है क्योंकि वो जो एक फ्लेवर जो कोरमे में आता है बड़ा मज़े का, वो घी का होता है। हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो घी शामिल करा है। अच्छा, कोरमे में जो है थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा ऑयल या घी वाले कॉन्शियस ना होएगा, और जो हो अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि वो जो ऊपर जो एक ऑयल की लेयर आ रही होती है वो अच्छी लगती है। अच्छा एक बात बताए, कोरमा के से आता है या क्यू से? क्यू से। गलत, बिल्कुल गलत। कोरमा काफ से आता है। सामने उर्दू टीचर खुद बताए के क्यों नहीं, काफ से आता है, उर्दू का लफ्ज है कोरमा। अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि वो डंडी वाले काफ से आता है या नुक्ते वाले काफ से, तो आप बता सकते हैं? नुक्ते वाले काफ से। आप क्यों ठीक है? कैंची वाले काफ से। तो मैंने उसी से तो उसको कैंची वाले काफ नहीं, कैंची। हाँ हाँ, सही बोला है उन्होंने, सही तो बोला। हाँ यस यस, कैंची वाले काफ से। जी जी, काफ और काफ, नुक्ते वाले काफ से। नुक्ते वाले, नुक्ते वाले। आपकी टीचर आज खुश हो रही होंगी। मिस आपकी, देखें आपका यहाँ पे ना आज ऑन एयर टेस्ट हो गया इस पर। आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे, आपका हो गया। बस करते हैं। देखिए कभी किसी के लिए खड्डा जब हम खोदते हैं ना, तो हम खुद भी गिर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला शामिल करा, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता इसके अंदर एक से दो शामिल करे, एक जो है वो बादियान का फूल शामिल करा, एक दालचीनी की स्टिक, एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची छोटी, और चंद जो है मैंने काली मिर्चें, और एक से दो लौंग। अच्छा यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शेफ मुनीजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू आपको खाने को मिले। चलो थैंक यू शेफ मुनीजा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बने। कोई बात आप शेफ मुनीजा के लिए कहना चाहेंगे? मैं शेफ मुनीजा को बहुत ज़्यादा विशेस देना चाहती हूँ बर्थडे की, और मुझे बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके कोरमे के लिए। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और शेफ मुनीजा बना रहे हैं चिकन कोर। अच्छा मैं बता देती हूँ कि ड्यूरिंग द ब्रेक हमने क्या किया। मैंने आप लोग के सामने घी शामिल किया था आधा कप के करीब, उसमें साबुत गरम मसाला शामिल करा था, जैसे काली मिर्च चंद तीन से चार, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक से दो लौंग, एक दालचीनी की स्टिक, दो तेज़पत्ते डाल दिए थे, और उसको ऑयल में घी में थोड़ा सा पकाया ताकि उसकी खुशबू निकल के आ जाए। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा और इसमें चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली से एक मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद एक मैंने मसाला तैयार किया जिसके अंदर मैंने एक टेबलस्पून देगी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, एक पिंच जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करा, वन टी स्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल करा, वन टी स्पून नमक शामिल करा। आप नमक अपने फ्लेवर्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च वन टी स्पून शामिल करी और हल्दी जो है वो हाफ टी स्पून शामिल करी। ये मसाला मैंने तैयार किया और ये मसाला इसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने मसाले को थोड़ा सा कुक करा, और देखें जो इसका घी जो है वो उसमें वो सेपरेट हो गया। थोड़ा सा पानी डाल के हमने कुक करा कि चिकन जो है हमारी थोड़ी सी डन हो जाए। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया था कि प्याज, दो बड़ी प्याज ले ली थी, उनको मैंने जो है स्लाइसर से काट के और उसको गोल्डन फ्राई करा, और उसको दही, एक पाव दही उसके साथ ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा बहुत से लोगों को ना थोड़ा सा दानेदार कोरमा पसंद होता है, अगर आपने नाम सुना हो, जो देग में हम लोग जो है खाना पसंद करते हैं, देग वाला जो होता है उसमें वो क्या करते हैं, देगी कोरमा। तो
उसमें क्या करते हैं, उसमें एक ट्रिक ये होती है कि दानेदार किस तरह होगा कि दही को तो आप सेपरेटली डाल दें और जो प्याज जो होती है ना उसको हाथों की मदद से क्रश करें, तो वो मोटी मोटी थोड़ी सी दानेदार रहेगी, तो वो जो दानेदार सा टेक्सचर जो कोरमे का आता है वो उसकी वजह से आता है। लेकिन बहुत से लोगों को वो प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती तो वो जूसर ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। ये दो इसके तरीके। और जब हमारी चिकन बिल्कुल डन हो जाए, या आप बीफ का बना रहे हो या मटन का बना रहे हो, तो जब भी आपका मीट डन हो जाए तो लास्ट पे हम ये शामिल करेंगे, दही और ये जो प्याज जो हमने ब्लेंड की थी, ठीक है। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि दही जो है उसका पानी जो है वो जल जाए। और ऑलमोस्ट हमारा कोरमा जो है वो डन हो चुका है, इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, कोरमे में बड़ा प्यारा सा कलर हमें चाहिए होता है कि वो लाल सा सुनहरा सा कलर आ रहा हो। इसके दो रीज़न्स हैं, प्याज आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, अगर प्याज बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो आपका कोरमा डार्क हो जाएगा। और देखी लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल करना है, उसका रीज़न ये कि जो लाल सा जो है टेक्स्चर ऊपर आ रहा होता है वो आएगा बड़ा प्यारा सा। अब देखिए इसका जो कलर है बड़ा प्यारा सा निकल के आया है। इसमें आपने आटा नहीं शामिल किया? नहीं, इसमें कोरमे में आटा शामिल नहीं होता, निहारी में होता है, निहारी में होता है, कुन्ने में होता है, कोरमे में नहीं होता, ठीक है। कोरमे में जो इसकी थिकनेस आती है वो प्याज की वजह से आती है। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग जो है वो कोरमे में टमाटर भी शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो टमाटर शामिल नहीं होते, जो एक टैंगी सा हल्का सा जो फ्लेवर जो एक टच आ रहा होता है वो दही की वजह से आता है। टमाटर ना शामिल किया करें, वो फिर कोरमा नहीं रहता, वो सालन। और उसमें खट्टा दही इस्तेमाल होता है? नहीं, खट्टा ना करें, नॉर्मल कर लें, कोई वो नहीं है बहुत खट्टा आप जाएँ लेने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा देखें, जैसे ये मसाला भुन जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, हमारा जो है वो कोरमा डन है। लास्ट में हम इसके ऊपर पिंच जो है वो जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा केवड़ा शामिल करेंगे, जो हमें एक्चुअल जो खुशबू आ रही होती है कोरमे की वो उसकी वजह से आती है, ठीक है। तो आप देखिए खुशबू अब निकल के आना शुरू हो गई, वो जो कोरमे वाली है ना, किसी मजे की खुशबू। अब भूख लग रही है, नान मंगा लेते हैं हम अच्छे अच्छे, शीरमाल के साथ भी ताफ्तान भी खा सकते हैं। हाँ बस अब बोल दें, अब मंगवा लें और क्या, ठीक है। ये देखें डन हो गया, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है हमारा। शेफ मुनीता, वो जो कहते हैं कि कोरमा बहुत देर तक पकता रहता है तो बड़े जल्दी बन गया, वो बात ये कि हम लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया। मटन या बीफ का होता है? हाँ, मटन और बीफ में टाइम लग जाता है, ऑब्वियसली मटन और बीफ को गलने में टाइम लगता है, जब वो गल जाता है तो इतना टाइम नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से इस पर हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ वो आलसी हो गए हैं कि हम लोग इतना टाइम एक एक चीज़ को लगा देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना काम जल्दी से डन किया और फ्री हो गए, दूसरा काम कर लो भाई। अब एक ही काम को आप घंटों तक खींचते रहो और फिर आप ये शो करते रहो कि हम काम कर रहे हैं भाई, क्या फ़ायदा, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। शबनीता, जैसे आपने देखा होगा खवातीन यूजुअली जब खाना बना रही होती हैं किचन में तो वो ना हल्का सा टेस्ट करती हैं, आप कभी नहीं करती? मैं करती हूँ, मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो है मैं हाथ से इस तरह नहीं, स्पून से लेके स्पून में हल्का सा हमने ड्रॉप ऐड किया और उसको टेस्ट कर लिया। अच्छा। वही वाला चम्मच वापस उसमें नहीं डाल रहे होते। अच्छा। क्योंकि वो जो है उसकी शेल्फ लाइफ भी कम करता है और ऑब्वियसली आप जर्म स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ। है ना, तो थोड़ा सा जो है ना, वो औरतें तो कहती थी हमारे ही तो बच्चों ने खाना है, हमारे ही तो मियाँ ने खाना है, प्यार बढ़ेगा। कौन करता है बहुत ही अजीब सी करते हैं लोग, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। अच्छा जी, ये 1 पिंच हमने जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो हमने पीसा था, बस 1 पिंच से भी कम डालना है क्योंकि इससे खुशबू आएगी, अगर ज़्यादा हो गया तो कड़वाहट आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये खुशबू के लिए हमने शामिल करा है, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका फ्लेवर इन्हांस करेगा, खुशबू भी बड़ी प्यारी देगा और साथ साथ इसके अंदर केवड़े के 1 से 2 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा केवड़ा जो है 1 से 2 ड्रॉप्स। हाँ बस देखिए खुशबू आ गई होगी आपको, अगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशबू उसमें से जो है ना वो सिर्फ केवड़े की आ रही होती है, बाकी जो है वो खाने की तमाम चीज़ों की जो खुशबू है वो रह जाती है। अच्छा बस इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा ये वाला स्पून सिर्फ हम डिश आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे हम पका नहीं रहे तो ये पैन ख़राब होने का हमारा कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। इतने मज़े की खुशबू इस वक्त इसकी आ रही है ना कि वाकई अब तो दिल चाह रहा है कि ताफ्तान आ ही जाए, तो है ना, आ जाए प्लीज़, आ जाए, सुन लें आप लोग, मंगवा लें, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो कोरमा था, इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेनी सा भी है और जो है थिक भी है और मज़े का भी लग रहा है। और कलर देखें, आपने कलर कोरमे का हमेशा इस तरह बैलेंस करेंगे कि प्याज जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लाल नहीं करनी, डार्क ब्राउन नहीं करनी, ठीक है जी जनाब। ये हमारा जो है वो कोरमा बिल्कुल रेडी है और इसको हम इसके एजेस क्लीन कर लेते हैं जी।
और इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम अदरक के साथ, जो कि इतनी हैवी चीज़ ऑब्वियसली ये हैवी होता है खाने में, तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगी अदरक। अदरक ठीक है शबनी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, है ना। चलो ये डन हो गया, इसको हमने अदरक थोड़ा सा टॉप अप कर दिया, दैट्स इट। हमारा कोरमा जो है वो देगी कोरमा तैयार है। शबनी शाम को आपका क्या प्लान है? पता नहीं, आज तो एक वर्किंग डे है तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, वीकेंड पे कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बर्थडे आज आप सेलिब्रेट नहीं करेंगी? क्यों, उसकी क्या वजह? क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है, हमें उसको भी मद्देनजर रखना होता है, तो शाम में हम कुछ अच्छा सा डिनर कर लेंगे। लेकिन शबनी साहब को अभी तक क्या क्या तोहफे मिले? अभी तक मुझे बहुत सारे सालगिरह के मुझे बुके मिला, केक मिला, एनवेलप मिला कैश का, नाइस, ठीक है, और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मिले हैं। और अब देखो, आज मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर आप देख रहे हैं तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट आ जाना चाहिए शाम तक। शबनी से क्या बताती हैं दूल्हा भाई को कि मुझे ये गिफ्ट आप? मैं जो है ना, जैसे अक्टूबर स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो उससे पहले से ना मैं अपने बच्चों को बोलना शुरू कर देती हूँ, फरमाइश, देखो ये नहीं है मेरे पास, पापा को बोलना कि ये वाला गिफ्ट मम्मा को दे, और ना बोला हम सरप्राइज। तो कल मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में, जब मैं उनको स्कूल से पिक करके आ रही थी, तो उनको रिमाइंडर दे दी थी, आलियान व्हाट मम्मा की बर्थडे किस डेट को आती है, आज क्या डेट थी, स्कूल में टीचर ने कौन सी डेट बताई थी? उसने बोला मम्मा 4। मम्मा कल तो 5 है, आपका बर्थडे है ना? मैंने कहा हाँ, चलो याद हो गया इसको, अभी अपने बाबा को बोल देगा। शबनी साहब, आज तक आपको सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट किसने दिया बर्थडे पे? वैसे तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ अच्छा ही गिफ्ट दे रहे थे, जो मैं ख्वाहिश कर रही थी। उनकी पता है चलाकी क्या होती है मेरे हस्बैंड की? वो चीज़ें देते हैं जो घर में भी यूटिलाइज हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊँ। मतलब? जैसे वो मुझे कुकर, प्रेशर कुकर, हाँ, कस्में, हैंड बीटर, डीप फ्रीजर, और ये मुझे वो गिफ्ट्स में देते हैं, आपको पता है? क्या अच्छा आइडिया वैसे, हाँ? उनको पता है, उनकी बेगम को जो है ना घर का डेकोरेशन की मुझे बहुत शौक है और चीज़ों का मुझे शौक है, तो वो जो है ना मुझे वही चीज़ें ला के दे रहे होते हैं। जैसे 3 साल पहले मुझे, जब मैंने 4-5 साल पहले जब मैंने बेकिंग स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने मुझे हैंड बीटर ला के दिया था और मैं इतनी खुश हुई थी, अरे यार मेरे पास हैंड बीटर आया है और मैं अब केक्स और ईजिली बना सकूँगी। तो किसे दिमाग उन्होंने चलाया, मेमन है ना, समझ गए ना? देखें ये इस तरह की जो आप बातें कर रही है ना, ये मेरे हस्बैंड के लिए बात है और किसी और के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं मेहमान बड़ी जबरदस्त सोच है ना, देखें गिफ्ट तो दे रहे ना। लास्ट ईयर मुझे डीप फ्रीजर दिया था, आप सोच सकते हैं लास्ट बर्थडे पे पिछले साल, हाँ सही बताए, हाँ तो इस दफा तो गाड़ी आनी चाहिए, है ना? हाँ। चलो देखते हैं, जल्दी रेसिपी बताएं। अच्छा, रेसिपी का रिकाप दे देते हैं। हमने क्या किया था, घी ले लिया 1/2 कप। घी लेने का मकसद ये, घी इसके फ्लेवर को एनहांस करता है और अच्छा करता है। घी के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला शामिल करा थोड़ा थोड़ा सारा, क्योंकि 1/2 किलो हमारी चिकन थी, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, 1 टेबल स्पून चिकन डाली और उसको थोड़ा सा कुक करा। उसके बाद मैंने तमाम मसाले, पिसा हुआ गरम मसाला जिसमें 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, हसबे जायका शामिल करा, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी, इन तमाम मसालों को भूना। जब घी सेपरेट हो गया तो मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन और उसको दही के साथ ब्लेंड कर लिया था 1 पाव दही के साथ। उसको जो है मैंने इसके अंदर मिक्स करा, इसको कुक करा और जब ऑयल दोबारा से सेपरेट हो गया, भुन गया अच्छी तरीके से, खुशबू आने लगी कोरमे की, तो मैंने लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा पिंच से भी कम जो है जायफल का पाउडर और 1 से 2-3 ड्रॉप्स केवड़े के, इन सबको मिक्स करा, फ्लेम ऑफ करा, उसको सर्व कर दिया। जबरदस्त शबनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, जरूर आपने कोरमे की रेसिपी घर पे ट्राई करनी है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमान में आपकी दो बहुत ही शानदार शख्सियत से। यूके से पाकिस्तान आए हुए हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। तारुफ कराना चाहूँगा सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब का। डॉक्टर शाहिद लतीफ़ प्रेजिडेंट हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकेट्रिक एसोसिएशन के। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। प्लेजर। और उनके साथ हैं डॉक्टर आमिर मलिक जो कि कंसल्टेंट हैं
साइकेट्रिक एसोसिएशन, ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकेट्रिक एसोसिएशन के और डायरेक्टर है एट द एनएचएस यूके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। यू गाइस आर विजिटिंग फ्रॉम द यूके, अब लंदन से आए हुए, इंग्लैंड से आए हुए, क्या वजह है, किस काम के लिए? जी आपको पता होगा कि 10th of October वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, सो एवरी ईयर बीइंग साइकियाट्रिस्ट बोथ ऑफ अस हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ के बारे में, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो हम लोग यूके में भी और पाकिस्तान में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी अवेयरनेस फैलाएं। ये जो ट्रिप है हमारा, जो भी हम आए हैं एक हफ्ते के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, हम लोग ये रोड शो करें जिसको हम कह रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकियाट्रिक एसोसिएशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रोड शो। तो ये पर्पस है हमारा आने का पाकिस्तान। जबरदस्त सर, रोड शो है किस नौयत का, आप क्या कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किन किन मतलब व्हाट इज इट, हाउ इज इट? हमारा ये था कि ये कोई 8 महीने पहले प्लान हम लोगों ने बनाया था। हमारा प्लान ये था कि हम वाकई रोड शो को लिटरली हम जाते बाई रोड वगैरह और हम मुख्तलिफ सिटीज़ में कराची, क्वेटा, साउथर्न पंजाब, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर वगैरह में करें, लेकिन क्योंकि ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ फ्लड्स का, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर मेजर तो 3 सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। पेशावर भी हम लोगों ने करना था लेकिन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की वजह से हम लोग कर नहीं रहे। नवंबर में दोबारा आएंगे तो नवंबर में इंशाल्लाह हम लोग पेशावर में भी करेंगे। तो आइडिया ये है कि एक एक सिटी पर हर जगह जाकर हम लोगों ने इस चीज़ की आगाही फैलाई। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। आपका तजुर्बा कैसा रहा इस चीज़ का? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल हम लोग करते हैं और ये ग्लोबल थिंग है, ये सिर्फ सर्टन एरियाज़ में नहीं है। और जैसे शायद वही कह रहे हैं कि इसका मकसद अवेयरनेस लोगों के देना है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि इज़ इट अ नॉर्मल एक्सेप्टेंस, कि जब दे माइट बी स्ट्रगलिंग कि मेंटल हेल्थ में, लेकिन वो उन्हें पता नहीं था कि ये हो सकता है कि डिसऑर्डर है और इसकी हेल्प लेनी चाहिए। सिमिलरली स्टिग्मा पे हम लोग बात करेंगे लोगों को, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा। लोग कहते हैं यार मेंटल हेल्थ, अगर हॉस्पिटल गए तो एक लेबल लग जाएगा कि ये बंदा पागल है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम हैं, लोगों को अवेयरनेस इसी से होगी कि हर जो स्ट्रेस आ रही है ना, इसको लाइट ना लिया जाए, क्योंकि इट कैन गेट टू अ स्टेज कि वहाँ से हो सकता है कि फिर रिवर्सिबल ना हो। कि इसको अगर अर्ली अगर आप करोगे, डिटेक्ट कर लोगे, अर्ली सपोर्ट ले लोगे, तो इट इज़ बेहतर, ज़िंदगी बेहतर हो, ज़िंदगी बेहतर होगी और रिवर्सिबल होते हैं बहुत सारे चीज़ें। एक चीज़ में हम लोग हमेशा, कभी भी आप दोनों इस बात से मुतफ़िक होंगे कि हम लोग कभी बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ का हमेशा एक जो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अरे बाहर तो ऐसे नहीं होता, अरे बाहर तो ये बेहतर है। जितना हमारे इस खत्ते में, साउथ एशियन खत्ते में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बड़ा मायूब समझा जाता है, पता नहीं क्यों कि अरे यार पागल, अरे मैं नहीं भाई, साइकियाट्रिस्ट की क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बाहर भी ऐसे ही होता है इंग्लैंड में? देखिए पीपल आर, यू नो, इट्स ईजियर टू कॉन्टैक्ट साइकियाट्रिस्ट। मेंटल इलनेस किसी तरह की भी जो फिजिकल इलनेस है ना, ऐसे ही है। मतलब आप लोग खुद से डायबिटिक तो नहीं हो जाते, हाइपरटेंसिव तो नहीं हो जाते, तो मेंटल हेल्थ वेरी बायोलॉजिकल है। इसमें ये नहीं है कि कोई बहाना कर रहा है या कोई अवॉइडेंस बिहेवियर नहीं होता। और मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट्स भी ऐसे ही हैं, जिस तरह आप समटाइम लोग ये कहते हैं यार मेंटल इलनेस की अगर हो जाती है तो वो फिर एक लंबा अरसा रहता है, बंदा ठीक नहीं होता। ठीक है, उसमें किसी हद तक ये बात ये है, लेकिन सिम्टम कंट्रोल, आप देखें ब्लड प्रेशर किसी को होता है तो ये तो हम नहीं कह सकते यार ट्रीटमेंट हुई और ब्लड प्रेशर खत्म हो गया उसका, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा या शुगर ठीक हो गई है। इसी तरह ये क्रॉनिक इलनेसेज होती हैं, लॉन्ग टर्म है, इनको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत बायोलॉजिकल मॉडल है। इसमें बंदे को विक्टिमाइज या इस तरह टारगेटेड फील नहीं करना चाहिए। हम और आई थिंक इसके एनवायरमेंटल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको बड़ा बुरा फील कराते हैं, अरे भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास अब क्यों जा रहे हो? लेकिन इसकी आगाही देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ही आप अच्छा महसूस भी कर सकते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में जब आप लोगों से मिलते हैं, और ऑफकोर्स देखिए जिस तरह अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है और अगर वो किसी जगह पे जाता है तो वहाँ का वो डेकोर देख रहा होता है और सोचता है यार ये सही नहीं है या वो सही नहीं है, तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, यू नो, अगर आप कहीं जा रहे होते हैं एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ बिग एसोसिएशन, आर यू जजिंग देयर मेंटल हेल्थ, जिन लोगों से आप मिल रहे होते हैं? चले इस मिथ को बस्ट कर देते हैं। देखें, साइकियाट्रिस्ट की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको ट्रेनिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, माइक्रो एक्सप्रेशन हम नहीं देखते, जो एक अलग स्पेशलिटी है, ठीक है ना, लेकिन जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट ज़्यादातर नॉन जजमेंटल होते हैं, ठीक है ना, और ये बड़ा ज़रूरी है साइकियाट्रिस्ट के, आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ता है और ट्रेनिंग हमारी यही होती है कि हम इम्पार्शियल रहें। एंड जब तक हम लोग बात ना करें, और वो भी बात करने का
सारा हमारी ट्रेनिंग यही होती है कि जो जड़ है, जो रूट है कॉज का अगर इश्यू है। लेकिन एक और चीज़ मैं उसमें मैं डालूंगा जस्ट फॉलोइंग ऑन जो आमिर ने बात की है कि देखें दो चीज़ें हैं पोलर ऑपोजिट्स। नंबर वन कि क्या मेंटल हेल्थ है, अगर है इसको अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है, ठीक है, उसको प्रिवेंशन के लिए फर्दर डिटेरियरेशन। लेकिन दूसरी साइड पर ये भी देखना है कि उसको ओवर मेडिकलाइज ना करें, ठीक है, क्योंकि अक्सर भी यही होता है कि जी वो मेरा बेटा जो है ज़्यादा पैसे खर्च रहा है, साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं, इसको ठीक कर दें, उनकी शादी ठीक नहीं चली साइकाइट्रिस्ट को, उसको मेडिक ठीक है अगर किसी को हेल्प चाहिए ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्ट्रेस में गुजर है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसको ओवर मेडिकलाइज करना ये भी साइकाइट्रिस्ट का काम है। ओके, ठीक है ना, ये नहीं कि आप चर्न आउट करना शुरू कर दें मेडिकेशन और थेरेपी, ठीक है, नॉर्मल कभी कभी आपको फ्लो के साथ जाना पड़ता है, ज़िंदगी को आसान रखना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज हैं वहाँ पे आपको इंटरवेंशन देना पड़ता है, स्टिग्मा को चैलेंज करना चाहिए हमें, बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्टिग्मा को चैलेंज करना बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जितना भी आप स्टिग्मा को चैलेंज करेंगे आपकी आगे की जनरेशन के लिए एक बड़ा फेवर आप करेंगे, क्योंकि आजकल अगर आप देखें स्ट्रेस जो है या डिप्रेशन है या जो एनजाइटी है वो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन हो गया है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह एक पीयर प्रेशर भी है थ्रू सोशल मीडिया, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एवरीबडी वर्ड यू नो दे वांट टू आउटडू ईच अदर, एक ये बड़ा प्रेशर, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग एहसास कमतरी जो सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं डॉक्टर साहब, वो भी तो एक मेंटल हेल्थ का ही प्रॉब्लम। आई थिंक इट्स अ वेरी टॉपिकल इशू, आज बल्कि शाम को भी हम रिकमेंड कर रहे हैं जिसमें हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ हम मिल रहे हैं जस्ट टू गो थ्रू, क्योंकि देर इज आइलैंड डेवलपिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और वो उनको हाउ कैन दे ऑल बी ऑन द सेम हिम शीट के दे शुड बी एबल टू काइंड ऑफ हैव अ डायलॉग अंडरस्टैंड ईच अदर। आई थिंक दोनों पार्टीज के अंदर देर हैज़ टू बी सम वे ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो आई थिंक दिस इज वेरी टिपिकल। आप बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया है, लेकिन डॉक्टर साहब एक जो प्रॉब्लम है जो आई डोंट नो वेदर ये सिमिलर होगा हम सबके लिए, वे बी ऑन द सेम जनरेशन, ओके, अब हम लोग ये समझते हैं दैट यू नो आवर पेरेंट्स आर नॉट कूल इनफ, आई थिंक ये सारे जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं, आई थिंक आपके बच्चे भी, यू नो, बच्चों का एक होता है कि डैड आपको क्या पता है, या वाले यार हमारे वाले साहब को ये क्या पता होगा, ये ज़माना वो ज़माना, एक जो जेनरेशनल गैप होता है, आई थिंक हमें उसको भी तो कवर करना चाहिए। आई गेस टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, आप देखो हमारे टाइम पे मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुए थे, नाउ इट्स वे अहेड, और आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया इस कदर ज़्यादा हो गई है कि आई थिंक एवरी मोमेंट यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ, मैं हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, तो आई डू थिंक कि थोड़ा सा if I compare myself to my children, I think they are lot more savvy than I am. So I think ye thodi bahut hame as a parents hame bhi understanding honi chahiye, lekin how we have to protect our children, I think ye bahut, because they are very vulnerable, they are very vulnerable out there, they are very vulnerable. Mujhe ye bhi lagta hai doctor sahab, kabhi main ye soch raha tha ki in general jis tarah ye social media ka influx hua hamari society mein, jis tarah hamari agar educational system ki baat kare, there is a lot of class system, you know, targeting our educational system. Ameer aadmi ka बच्चा एक अच्छे स्कूल में है, गरीब आदमी का बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में होगा हमारे मुल्क के अंदर यूजुअली, और उसके साथ साथ जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं एवरीबडी यू नो इज़ एक्सेसिंग दोज एप्लीकेशंस, और सबको एक फैंसी सी जगह पे एक फैंसी से कपड़ों में आना है, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं होती। मेरे ख्याल से ये चीज़ हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है। बिल्कुल असफर, आपने बात बिल्कुल 100% ठीक की है। देखें हमारी जो जनरेशन जो है ना, ये हमें कहना पड़ेगा हम लोग रेडी नहीं थे सोशल मीडिया के लिए, जितनी जल्दी ये जंप हुआ ना लास्ट 15 इयर्स में 10 इयर्स में, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम लोगों को ना ये एक चीज़ थ्रस्ट की गई हमारे ऊपर, और वो थ्रस्टनेस उस सिचुएशन में हमें मैनेज करना पड़ा। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, उनको दे डोंट नो एनी डिफरेंट, वो जो 10 साल 12 साल 14 15 साल का जो उनको नज़र ये आए, तो उनका जो अप्रोच है ना तो वॉज ए बहुत डिफरेंट है। और इसी में आप देखेंगे जो आपने पहले बात की सोशल मीडिया का, सिंपल सी बात, लाइक्स डिसलाइक, लाइक किसी ने किया क्यों नहीं किया, देखे ना वो फिर वल्नरेबिलिटीज की बात आ जाते हैं, लोगों को अफेक्ट करता है, और अगर लाइक्स नहीं आते तो यू नो द यूथ वुड थिंक दैट दे आर नॉट गुड इनफ, और जितने भी हमारी जनरेशन के लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है, अगर लाइक्स नहीं आते तो उनको ये डर और खौफ और शक होने लगता है कि एम आई स्टिल रेलेवेंट और नॉट, क्या अभी भी मेरा वो ग्लैम रहा है या नहीं रहा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है खवातीन और रोजगार, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजाएगा, विल सी यू इन अ बिट।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे इन दो शानदार डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताएं, अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जिस तरह बहुत हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के तो मास्टर्स हैं, हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि हमें ये बीमारी है, चलो ये दो गोलियां खा लो तो सही हो जाएंगे। सेल्फ एनालिसिस हमें कब करना चाहिए कि अब हमें शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तब कब जाना चाहिए एक साइकेट्रिस्ट के पास? अच्छा, आपने ये बड़ी मिलियन डॉलर बात की है, क्योंकि देखें हम सेल्फ एनालिसिस वगैरह करते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो हम लोग एक रट में फंस सकते हैं। हम लोग देखें, सिंपल सी एक चीज़ है सेल्फ एनालिसिस के, अगर किसी को किसी किस्म की एंग्जाइटी हो रही है, किसी किस्म का पैनिक हो रहा है, किसी किस्म का लो मूड हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है और आपके डे टू डे फंक्शनिंग में, आपकी नींद पे, आपके खाने पीने पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके काम पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स पे, अगर वो अफेक्ट कर रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और प्रॉब्लम्स बाय डेफिनेशन हैव सॉल्यूशंस। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, और ये बड़ा ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस, ये हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं। अगर वो चीज़ एवरी नाउ एंड देन आ रही है, लेकिन बाकी हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को वो असर नहीं कर रही और हम नॉर्मल फंक्शन करें, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ऑल राइट, ओके, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये बड़ा आपने अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है इस बारे में। सब जब हम बात कर रहे हैं अबाउट विद द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एंड यू नो पाकिस्तान को स्पेसिफिकली, अगर हम जिस तरह आप लोग आगाही फैला रहे हैं इस बात को लेके कि लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ की एक तगोदो में रहना ही चाहिए, किस तरह अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर करें, जिस तरह अभी हम बात करते हैं पेरेंट्स का रिश्ता अपने बच्चों के साथ, जब पेरेंट्स थोड़ा एज कर जाते हैं तो बच्चों में एक बड़ा डिप्रेशन होता है। आई थिंक बच्चे अपने पेरेंट्स को बड़ा होते हुए जब देख रहे होते हैं, और जब आई थिंक दे आर नॉट रेडी फॉर इट, और देर टाइम्स वे दे आर नॉट रेडी टू लूज़ अ पेरेंट इवन, आई थिंक यू नेवर रेडी टू लूज़ अ पेरेंट्स इन दैट वे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को जल्दी लूज़ कर जाते हैं, आपको लगता है कि उनके जहन पर ताहयात एक असर रह जाता है जो डिप्रेशन या एनजाइटी की वजह बनता है? बिल्कुल, ग्रीफ रिएक्शन के ना स्टेजेस होते हैं। हर बंदा ग्रीफ स्टार्ट होता है डिनाइल के साथ, एनी ब्रेकिंग बैड ब्रेकिंग न्यूज जो है वो डिनाइल से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद स्लोली उसमें रेजोल्यूशन आना स्टार्ट होता है, और फिर इवेंचुअली एक्सेप्ट करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं मॉर्बिड ग्रीफ और प्रोलॉन्ग ग्रीफ। वो ये होता है कि जो आपकी मेमरीज हैं ना, वो आपकी विद इमोशंस अलाइव रहती हैं। तो जो कुछ टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर मेमरीज आर केप्ट देयर, लेकिन उसका इमोशनल कंपोनेंट रिड्यूस किया जा सकता है। लाइक डाइल्यूट हो जाती है, बिल्कुल वो डाइल्यूट हो जाती है, यू विल स्टिल बी एबल टू रिमेंबर द इवेंट, लेकिन उसके साथ जितना इमोशन एट द टाइम अटैच था जब वो इवेंट हुआ था, वो स्लोली फेज आउट हो जाता है। दिस इज व्हाट मेमोरीज आर लाइक। तो बिल्कुल वो प्रोलॉन्ग ग्रीफ स्कारिंग छोड़ता है माइंड के ऊपर, और लोग उसकी वजह से लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट हो सकते हैं मेंटल हेल्थ पे, स्पेशली जिस तरह आपने एंग्जाइटी का है या डिप्रेशन होती है, समथिंग वी कॉल एडजस्टमेंट रिएक्शन। प्रोलॉन्ग जब हो जाए एक चीज़ एक खास इवेंट के बाद, और अगर उसके इवेंट उसके चलते रहे सिम्टम, तो फिर वो एडजस्टमेंट रिएक्शन है। एज शायद भाई साहब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके सलूशन डेफिनेटली होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा शाह साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कैंपेन के बारे में एक बार फिर बता दीजिए, क्या क्या डेट्स हैं, कब कब? एब्सोल्युटली, नहीं हमारा अभी 6th को कराची में, 7th को लाहौर में, और 8th को इस्लामाबाद में हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने साइकाइट्रिस्ट को, मीडिया को, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ ना चैम्पियन करते हैं, बड़ा ज़रूरी है। जैसे वसीम अकरम डायबिटीज़ को करते हैं, तो उसी तरह इसी हम लोग सेलिब्रिटीज़ को कुछ बुलाया हुआ है इसको हाईलाइट करने के लिए, और ये मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया वगैरह में। और देखें, हम लोग कहने का मकसद ये है कि सिर्फ लोकल जो लोग हैं ये भी करते हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं ना, जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वी केयर ऑफ कोर्स। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आके ना अवेयरनेस जो यहाँ पे ग्रो हो रही है, लेकिन मजीद देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, एंड यू नो देयर इज अ टाइम व्हेन यू वांट टू गिव इट बैक टू योर कंट्री एज वेल, एक वो चीज भी होती है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो। खवातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हाल ही में लाहौर में एक बड़ा शानदार इवेंट हुआ जिसका नाम है द जैज़ इवेंट एट द म्यूज़ियम, जो कि पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम लाहौर में हुआ। बड़े ज़बरदस्त लोग आए थे, उस इवेंट की आपको झलकियाँ दिखाते हैं, लेकिन कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।
लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में 75वें योम आजादी की मुनासबत से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। US कौंसल जनरल विलियम के मैकेनुअल, चेयरमैन PCB रमीज राजा, मशहूर फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाए, साबिक क्रिकेटर आकिब जवैद समेत कई अहम शख्सियात ने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को विजिट किया और म्यूजियम में मौजूद पाकिस्तान की आजादी के हवाले से बताई गई हिस्ट्री के नमूनों की खूब तारीफ की। Being here today at the Pakistan's National Museum, great opportunity. I really enjoyed a lot of the interactive displays that were there, the various exhibits, and kind of seeing how Pakistan started and grew. This place provided me an opportunity to do that and see some of the struggles that the people of Pakistan. The partition has been such a significant part of our history and part of people's individual identities, and you know, we felt the museum is there to really capture that and honor the people who, you know, really sacrificed for our country, and it's a really lovely experience. It was a good experience, and achhi baat hai ki hamare yahan pe, you know, we can bring our kids and tell them about our history, and I think it's very well designed and sorted, and I think it's a very good experience, and I think everybody should come and know their history. One of a kind unique museum hai Pakistan mein, aise koi family ki jagah nahi hai jo aa sake log apne, you know, bachcho ke sath, apne grandparents ke sath aake visit kare, Pakistan ki history dekhe. I mean, yahan Pakistan mein ye spaces hi nahi hai family ke liye, so I think ye first time bana hua hai. I think logo ko aake dekhna chahiye, experience karna chahiye. Chairman PCB Ramiz Raja aur sabiq cricketer Aqib Javed ne museum mein maujood Pakistan ki cricket history ke namoonon ko khoob saraha. Ye itna acha experience tha ki hum inshaallah cricket board में कुछ ऐसी चीज़ शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी क्रिकेट के बहुत हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है और ये एक आज बड़ा हिस्टोरिक डे है, इसलिए कि जब तक आप अपनी हिस्ट्री को रिगार्ड नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे. सो उस लिहाज से भी एक बड़ा आप कह लीजिए कि आई ओपनर था मेरे लिए. यहाँ पर आना चाहिए, स्कूल्स को आना चाहिए, स्कूल के बच्चों को आना चाहिए, मैं क्रिकेटर्स को यहाँ पे लेके आऊँगा. आई थिंक ये एक हर स्कूल को चाहिए कि वो हर बच्चे को कम से कम एक दफ़ा इस पूरी हिस्ट्री उसे दिखाएं, क्योंकि आजकल जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो किताब से भी हट गया, मोबाइल पे आ गया या वो सोशल मीडिया पे चला गया, तो वहाँ भी जो आपकी राइट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती. रंगारंग तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता बैंड जैज ने भी परफॉर्म किया, जिसने तकरीब को चार चांद लगा दिए. और शुरका से खूब दाद समेटी.